सो so, इसको मैं अभी ओपन करके आपको दिखाती हूँ सो so, यहाँ पर ये ओपन कर लिया है एंड इसका जो कटर है हम इसको रिमूव करके अपनी वेजीज फ्रूट्स कुछ भी ऐड कर कर इसको फिर से पुट कर सकते हैं एंड इसको अच्छे से क्लोज कर सकते हैं तो क्लोज़ करने के लिए इसको हमें बिल्कुल जो हमारा कटर है उसको बिल्कुल सीधा प्लेस करना होगा एंड देन वी कैन क्लोज इट इसको हम क्लोज करके अच्छे से एंड इसको हम चॉप कर सकते हैं लाइक दिस सो गाइज दिस इज़ वेरी एसेंशियल आइटम डेट एवरी वन शुड हैव बिकॉज हम वेजिटेबल्स को चॉप करते हैं कुछ भी बनाते हैं हम कुछ ना कुछ चॉप करते हैं वेजिटेबल्स चॉप करते हैं तो ये बहुत अच्छे से चॉप हो जाते हैं इसमें बिल्कुल फाइनली चॉप हो जाते हैं सो दिस इज़ वेरी यूजफुल आइटम इफ यू टू परचेज दिस आई विल लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गाइस, अवर नेक्स्ट आइटम इज दिस एट पीस मेजिंग कप एंड स्पून सेट सो माइन इज़ इन ब्लैक कलर सो ये बहुत सारे कलर्स में आते हैं सो so, इसको मैं भी ओपन करती हूँ एंड सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर स्पून सो स्टार्ट करते हैं सबसे छोटी स्पून से सो गाय सबसे छोटी स्पून जो है यहाँ पर है वन बाई फोर टी स्पून है यू कैन सी सो गाय हर स्पून पर हर कप में ऐसे मेजरमेंट रहता है वन बाई फोर स्पून का ये है टी स्पून का एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं वन बाई एट टी स्पून का भी मेजरमेंट यहाँ पर दे रखा है सो so मैं आपको बताती हूँ जो ये सेंटर वाला पार्ट होगा ये जो सर्कल है ये सो so ये होता है हमारा वन बाई एट मेजरमेंट टीस्पून टी स्पून का एंड देन नेक्स्ट स्पून इज ऑफ हाफ़ टी स्पून कैन सी सो गाइज दिस इज़ अ होल स्पून एंड यहाँ पर इसके यहाँ पर भी ऐसे मेजरमेंट हैं सो हर टी स्पून के और टेबल स्पून के और और कप्स के यहाँ पर मेजरमेंट हैं गीवन है सो गाइज यू कैन सी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है बट एवरी स्पून में ऐसे ही है सो so इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी विल लिंक एवरी आइटम ऑफ दिस वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड देन अदर स्पून इज ऑफ वन टी स्पून

या यू कैन सी सो यहाँ पर फोर कप्स और फोर स्पून हैं सो फर्स्ट कप है वन बाई फोर कप एंड इसके यहाँ पर फोर टेबल स्पूं और टू टेबल स्पून का मेजरमेंट गिवन है आप देख सकते हो सो so, हर कप के साइड में भी ऐसे ही मेजरमेंट गिवन है दिस इज़ अ स्मॉलेस्ट कप एंड नेक्स्ट कप इज ऑफ हाफ कप और दिस इज हाफ कप सो so गाइज ये बहुत एसेंशियल होते हैं बिकॉज़ हम कोई भी रेसिपी देखते हैं सो so उसमें मेजरमेंट कप के अकॉर्डिंग दिया होता है सो इट इज़ साइट इज़रिएल इससे हमारे मेजरमेंट जो होता है बिल्कुल एक्यूरेट होता है एंड देन नेक्स्ट कप है ये टू बाई थ्री कप सो गाइज़ कप ये तो आप ज़रूर ही मंगा लीजिए बिल्कुल ऑर्डर कर लीजिए परचे परचेज कर ही लीजिए ये आप यहाँ पर देख सकते हो वन कप सो ये परचेज़ कर लीजिए दिज आर वेरी वेरी असेंशियल सो uh, so, इससे जो भी हमारी कोई भी डिश होगी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी बिकॉज मीजरिंग जो हो होगा हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा प्राइज़ अवर थर्ड आइटम इज दिस कटर सो जब भी हम पिज़्ज़ा बनाते हैं उसे कट करने में बहुत डिफिकल्टी होती तो है तो उसके लिए यह है, है पिज़्ज़ा कटर सो so, इससे जो हमारा पिज़्ज़ा है बहुत ईजिली कट हो जाता है एंड ये आप देख सकते हो सो इससे बहुत ईजिली पिज्ज़ा कट हो जाता है सो डेट दिस इज ऑल्सो वेरी नीडी प्राइज अवर फोर्थ आइटम इज दिस मैशर सो इससे हमारे पटेटोज जो हैं बहुत ईजिली मैश हो जाते हैं सो so, जो गर्म होते हैं कभी कभी पटेटो बॉयल्ड पटैटो जो गर्म होते हैं सो so, उसको हम इससे इजिली मैश कर सकते हैं दिस इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड वेरी गुड आइटम्स एंड वेरी हेल्पफुल यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं होल्स हैं एंड इससे बहुत अच्छे से हमारे पटेटो जो हैं मैश होते हैं सो दिस इज़ वेरी गुड आइटम सो गाइज अवर फिफ्थ आइटम इज़ दिस ग्रीसिंग ग्रीसिंग ब्रश एंड स्पेचुला का ये सेट है पूरा सो यहाँ पर आप देख सकते हो सो मैंने आपको बताया था कि बेकिंग में बहुत हेल्पफुल होता है ग्रीसिंग ब्रश सो बेकिंग में ही नहीं जब कुछ भी बनाते हैं डोकला बनाते हैं और कुछ भी बनाते हैं सो हमें ग्रीस करने के लिए कुछ ग्रीसिंग की नीड होती है सो डेट सो ग्रीसिंग के लिए ग्रीसिंग ब्रश बहुत हेल्पफुल है एंड मिक्सिंग के लिए स्पेक्टूला बहुत हेल्पफुल है सो दिस इज़ होल सेट सो स्मॉल है एंड इससे बड़ा वाला जो है ये है यू कैन सी है सो गाइज इनको भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी सो um, uh, so, यहाँ पर नहीं देख सकते हो ये वाला बड़ा है सो so, उसको मैंने अभी ओपन नहीं किया आपके सामने ही मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ सो यस लेट्स ओपन एट यू कैन सी द बिग स्पैचूला एंड बिग ग्रीसिंग ब्रश एज वेल सो गाइज ये बहुत कन्वीनियंट है बहुत ईजी टू यूज़ है बस्ट बाई आइटम इट इज़ सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों छोटे बड़े स्पैचुला एक साथ आई आई एम शूइंग यूश इसको एक और मैं बताती हूँ ये ये इजली रिमूवल होता है इसका ब्रश जो होता है एंड सेम विद स्पैचुला सो इसको आप रिमूव करके अच्छे से क्लीन कर सकते हो सो गाइज़र नेक्स्ट आइटम इज़ दिस पीलर सो ही मैंने अमेजोन से मंगाया था सो गाइज इससे बहुत अच्छे से पील होता है बहुत जल्दी पील होता है बट इट इज़ वेरी शार्प सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल पीलिंग विद इट सो ये बहुत अच्छा पीलर है और इससे बहुत अच्छे से पील होता है जल्दी भी पील होता है बट बहुत शार्प है सो हमें बहुत केयरफुल रह इससे पील करना होगा सो या गाइज इज अवर नेक्स्ट आइटम इज दिस हैंड विश का सो गाइज ये जो हैंडविश का है मैं काफ़ी बार अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर चुकी हूँ so सो गाइज़ हैंडविश केक के बैटर मिक्स करने ही नहीं यूज़ होता इट कैन बी यूज इन डोकला बैटर इन एनी थिंग बैटर यू कैन यूज़ फॉर मिक्सिंग सो गाइज इस इज अ स्मॉल साइज इसके बड़े साइज भी आते हैं सो so आप बड़े साइज भी परचेज कर सकते हैं लास्ट आइटम इज दिस चॉपर बोर्ड सो ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही परचेज़ किया था दिस चॉपर बोर्ड इज़ मेड ऑफ अफ्रीकन वुड एंड आई लाइक दिस वेरी मच इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है गाइज मोस्टली आपने जो चॉपर बोर्ड देखे होंगे वो आपने रेक्टेंगुलर शेप में देखे होंगे सो रेक्टेंगुलर शेप वाले जो चॉपर बोर्ड होते हैं बहुत कॉमन होते हैं डेट इस वाई आई परचेज द चॉपर बोर्ड ऑफ राउंड शेप एंड ये बहुत ही अच्छा है ये मैंने अपनी मैंगो कुल्फी वाले वीडियो में यूज़ भी किया था सो गाइज दिस इज अ मस्ट बाई आइटम यू शुड डेफिनेटली हैव दिस इन योर किचन